गाड़ी और गाड़ी के बीच में जो है वो पानी, और मैंने ऐसा पहली बार दृश्य देखा होगा। और जिस तरीके से भैया जो है इसमें से पानी निकाल रहे थे, तभी मैं ये स्टोरी करने के लिए भी यहाँ पे रुका हूँ। और गाड़ी जिनकी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, इतना पानी आपकी गाड़ी के अंदर? बेसिकली सडनली विद इन 2-3 मिनट्स बहुत तेज़ पानी यहाँ दीवार तोड़ के अंदर आया, और ऑलमोस्ट यहाँ 3.5-4 फीट पानी हो गया था जी। सो आप देख रहे हैं पूरा, अभी टो करने के लिए मैंने गाड़ी मंगाई है यहाँ। चलो मेरी गाड़ी तो ठीक है, आप अगर इनका घर देखेंगे तो आप डैमेज देखेंगे। यहाँ 3-4 घरों में मिलके बहुत कंबाइंड डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। सही, पहली बार हुए यहाँ पे? नहीं, ये हर साल होता है, लेकिन ये दीवार फर्स्ट टाइम टूटी है। पहले पानी आता है बट नी लेंथ तक होता है, मतलब 1.5-2 फीट तक होता है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दीवार तोड़ के लगभग 3.5-4 फीट पानी आया। और अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर व्यक्ति? हाँ, सुबह से काफ़ी लोग आए हैं, पुलिस भी आई थी और आई थिंक लोकल एमएलए भी आए थे। तो प्रॉमिस तो वो करके गए, अब लेट अस सी, उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के लोग काम पे लगाए हैं, बट ये 2-3 दिन का काम है। जिस तरह का डैमेज हुआ है इट्स गोइंग टू टेक 2-3 डेज मिनिमम। और कितने लगातार, आप बोल रहे 2-3 साल से लगातार पानी इस? 2-3 साल नहीं, ये तो लगभग 10-15 साल से पानी यहाँ पे फ्लडिंग होती है। बिकॉज नाली अगर आप देखेंगे बहुत, मतलब कंजेस्टेड है, ये कचरा बहुत है इसमें। तो जब भी मानसून सीजन में दिन भर में बारिश होती है पानी गली में आ जाता है। वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता होगा आई थिंक ये। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कुछ कहना, इट मीन्स कि आप उनके साथ थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं। और तस्वीरें जो हैं इस गली की आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस गली में जो है वो 4-5 फुट पानी था, और ये घर है और घर के अंदर की हालत जो है वो इस समय आप देख सकते हैं। दीवार जो है वो टूट गई है, और दीवार टूटने की वजह से जो है वो पानी जो है, नाले का पानी जो है वो इस घर के अंदर जो है वो आ गया है। और घर की हालत आप देख सकते हैं इस समय, तस्वीरें आपके सामने हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या जिम्मेदारी बनती है मालूम नहीं, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ही लोग जो हैं वो सफाई करने यहाँ पर लगे हैं, और घर के मालिक जो हैं वो बाहर खड़े हैं, बात करने की कोशिश जो है उनसे करेंगे। और तस्वीरें इस समय घर के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, घर का हाल जो है वो आप देख सकते हो। अंकल जी, आपका घर है? किस तरीके से ये सब हुआ? बस दीवार टूटी है वहाँ से, वो आगे से एक तो ब्लॉकेज है वहाँ पे नाले में जा, जो वो मतलब वो कवर किया हुआ ऊपर से, उसकी वजह से नीचे से ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज की वजह से सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको अल्टीमेटली वो दीवार तो टूट गई और उससे पानी अंदर आ गया। जम्मू को रास्ता नहीं ना मिला, दीवार टूटी तो फिर सारा पानी, हमें बड़ी मुश्किल से इन्होंने साथ वालों ने, मोहल्ले वालों ने बचाया, हमारा छोटा बच्चा था इसको ऊपर कम से कम 6 फुट पानी था अंदर, बड़ी मुश्किल से हम इस दीवार से सामने, नहीं निशान ये तो वो सामने देखो ना, वो सामने निशान है, वो देखो वो दीवार पे देखो सामने, वो देखो इतना नहीं, अभी अंदर का तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, अंदर का तो हमें पता ही नहीं है कि अंदर क्या हुआ वो। कभी आपने कंप्लेन की है कि ये जो नाला है जम्मू में? पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी बोला था, सारे गए थे, सब कंप्लेन की, हाँ तोड़ देंगे जी, ये तोड़ देंगे, किसी ने नहीं, कोई मतलब आया ही नहीं दोबारा। और ये कहा जा रहा है कि कंसर्निंग एमएलए साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की है पहले की तरह? एमएलए साहब की तो बात छोड़ो ना, वो जबकि इलेक्शन हुई है वो तब से एक बार शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने एमएलए से, कोई बात छोड़ो, और जुगल किशोर जो हमारे एमपी बने हुए हैं वो आए हैं आपको 6 साल के बाद। एमएलए एमपी तो चलो मान लिया उनको बहुत काम है, एमएलए तो एक दिन में ही चक्कर यहाँ पे नहीं आए, वो पिछले साल भी यही हुआ था, पिछले अभी भी आए हैं वो? नहीं, ये सब होने के बाद आज आए हैं, सुबह आज सुबह आए देख के मतलब चले गए। क्या बोला कि? कुछ नहीं हम नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने वो बोला क्या चाहते, हमें कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये वो तोड़ो, जो जितना भी पार्किंग बनाई हुई है नाले के ऊपर ये सारी तोड़ो, हमें नहीं चाहिए पार्किंग, हमने क्या करनी है पार्किंग, बस और कुछ नहीं, अच्छा देख तोड़ देंगे बस, इतना कहा और निकल गए, इतना कहा और निकल गए। और जो इतना सब यहाँ पर हुआ है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है एक नई तरीके की चीज़ है कि जब भी कुछ यहाँ पर होता है और माफ़ी मांग ली जाती है, बोल दिया जाता है कि हम वापस जो है इसे ठीक कर लेंगे, मगर जिम्मेदारी जो है वो तय नहीं होती कि जिम्मेदारी किसकी है।
जिम्मेदारी किसकी है कि ये इतना सब जो नुकसान हो गया या कर सकते हो नीचे नीचे कोई बात नहीं ये सामने किचन है सामने मेन एंट्रेंस में सीधा देख लो आप मामी जी ध्यान ना हां जी तुसी ना आए तुसी ना ध्यान ना लायो नहीं स्लिप है स्लिप है जब ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही लोग लगे हैं आपके घर में सफाई करने यही है वही है बहुत बार बोला जी ये पिछले ये थर्ड टाइम है मतलब हर साल आया पिछले साल भी आया था उससे एक साल पहले भी आया तब भी हमने इन्हें को बोला था कि हमें ये पार्किंग नहीं चाहिए हमें इसको खत्म डिसमेंटल करो लेकिन किसी ने नहीं सुबह 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 ही हुई है बारिश 7 बजे के करीब हुआ हाँ बस वही उसी टाइम पे हुआ तस्वीरें जो है वो आपके सामने हैं किस तरीके से जो है हाल यहाँ पर बना हुआ है और चलना यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल है इस समय चलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है और मेरे पाँवों की हालत जो है वो आपके सामने है क्योंकि जितना यहाँ पर कीचड़ हो चुका है क्योंकि जितना भी पीछे नाला है वो नानक नगर जो आप मेन नानक नगर में जब घुसते हैं जितना भी पीछे नाला है वो सारा जो है दीवार टूट के सब जो है इनके घर में आ गया है और मेरे पाँव की हालत तो आपने देख ली है कि क्या है और मुझे नहीं लगता कि इससे बदतर हालत इस समय कहीं इस अगर आपको देखने को मिलेगी और पूरी गली की अगर आप यहाँ पे हालत देखें तो कचरा जो है वो पूरी गली में जो है फ्लोट कर रहा है और वन ऑफ़ दी पॉश कॉलोनीज में से एक जो है वो गांधीनगर नानक नगर को माना जाता है और हालत ये है और कई ऐसी पॉश कॉलोनीज एक्सटेंशन गांधीनगर है ये सामने गांधीनगर है ये नानक नगर है बिल्कुल और कई पॉश कॉलोनीज ऐसी हैं सुबह सिधरा की पॉश कॉलोनीज की हालत थी मैंने दिखाया कि फ्लोट वहाँ पर पानी कर रहा था बस ये मेहरबानी वहाँ पे रही कि किसी के घर के पानी अंदर नहीं गया अगर थोड़ी देर तक बारिश और होती तो पानी अंदर जा सकता था मगर थोड़ी सी मेहरबानी रही और हालत आपने देख लिए किस तरीके से हालत बने हुए हैं और कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि ज़िम्मेदारी का सिस्टम जम्मू कश्मीर में है नहीं प्रशासन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनको कुछ बोलेंगे तो ये पर्सनल हो जाता है बाकी ज़िम्मेदारी लेना तो इनके बस का नहीं है ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे आज भी आके देख के चले गए हैं बोला है हम करेंगे होगा कुछ नहीं आप अगली दो बारिशों का वेट कीजिए फिर से ये हालत होगी और हम फिर आएंगे दोबारा दिखाने के लिए आपको साइनिंग ऑफ